राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज मैं आपको ये एंजॉय पॉर्थोस दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरती से कटिंग से लग गई है। बरसात वैसे अब धीरे धीरे जा रही है, बट अभी ये एंजॉय पॉर्थोस बहुत अच्छे से लग जाती है। बरसात के महीने में ये एंजॉय पॉर्थोस बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं गाइस, बहुत अच्छे से। अभी मुझे ये एक मंथ हुआ है और मैंने आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, एक एक ब्रांच, एक एक डंडी लिए, एक एक लीव्स लिए और वहाँ से इनकी रूट्स लिए इस तरीके से। तो जितनी भी मुझसे हो सकी, ये देखिए एरियल रूट्स आ जाती है ना, बहुत आसान हो जाता है लगाना। तो मैं आज फिर से कुछ ये मैंने मनी प्लांट्स काटी हैं और इन्हें फिर से मैं लगाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी आज इस एंजॉय पॉथेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने का। तो वीडियो को पूरा देखें, स्क्रिप बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए मैं आपको इसको जड़ से निकाल के दिखाती हूँ, देख रहे हैं नई ब्रांच भी आ गई है और रूट्स कितनी अच्छी आ रही है। तो मैंने फ़िलहाल ये सारी निकाल दी है, देखिए सारी सक्सेस हो गई, एक महीने का रिजल्ट आ गई ये। हाँ ये लीजिए गाइस, मैं इसको इस तरीके से लगा रही हूँ। जितनी भी एरियल रूट्स वाली डंडियाँ हैं ना, इस तरीके से इस पर ध्यान, जल्दी बहुत जल्दी हेल्प करती हैं। और इस तरीके से लगाने से हमारे पास जो प्लांट्स की क्वांटिटी है वो बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाला तरीका मस्ट बेटर प्लांट्स को लगाने का, वो भी खास करके मनी प्लांट्स, वो फिर कोई भी हो सकती है। जैसे कि ये एंजॉय पॉर्थोस मैं आपको बता रही हूँ, मिट्टी को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लें, बना लें। और उसके बाद कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं इस तरीके से ले लेते हैं और लगा देते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है और ये तरीका बिल्कुल राइट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, ये छोटी छोटी है, मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये देखिए एरियल रूट्स, और हमें यहीं से कट करना है, गलती बिल्कुल भी ना करें। ये जो जड़ है ना, ये देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो ये देखिए इससे हम बहुत जल्दी पॉट भर जाता है और प्लांट्स ग्रो हो जाता है। ये ऐसे कट लगाने हमें कि इसकी लीव्स भी कहीं ना जाए, क्योंकि लीव्स जो होती है वो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे प्लांट्स को खाना प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं कट लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से पूछी हुई थी तो ये कुछ वेस्ट हो चुकी है, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। अब इसमें हम दो पार्टीशन करेंगे और रूट्स का बाकायदा ख्याल रखेंगे। अब मैंने ये यहाँ से कट लगाना है, ये लीजिए दो हो गई, ठीक है। और ये देखिए इसमें बारीक बारीक एरियल रूट्स आई हुई हैं और हमने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसमें कट लगाना है, ये लीजिए हो गया। तो अब हमने इस तरीके से, ये मिट्टी मेरी बहुत ही ज़्यादा मैंने सॉफ्ट कर रखी है गुड़ाई करके, और मैंने इस तरीके से प्रेस करना है और ये लग गया। तो कई बार लीव्स नहीं है तो भी आप लगाई दीजिए फेंकने की जगह, कहीं ना कहीं वो लेट काम करेगी पर करेगी। तो मैंने मिट्टी में गोबर की खाद थोड़ी सी ली, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, रिवर सेंट ली है। और ये देखिए इसको भी इस तरीके से कट लगा रही हूँ। और हमारी एक डंडी से चार प्लांट रेडी हो गए हैं। अभी एक एक ब्रांच लाएंगी और हमारा ये जो प्लांट है बहुत जल्दी, और आपको एक चीज़ और बताती हूँ इसके बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि जो कटिंग से प्लांट्स लगते हैं पुराने प्लांट्स के अकॉर्डिंग, वो प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और फ्रेश निकल के आते हैं। मैंने ये मेरे पुराने प्लांट्स के अकॉर्डिंग ये
नए प्लांट्स जो मैं लगा रही हूँ आजकल, ये बहुत ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। तो लीजिए, मैंने लगभग अपना ये पूरा प्लांटर भर दिया है एंजॉय पोर्थोस की कटिंग से। अब एक चीज़ और शेयर करती हूँ आपसे, ये बहुत ही छोटी है पर इसमें रूट्स है, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं, तो ये एरियल रूट है, ये भी काम करती है। तो हमने इसको इस तरीके से प्रेस कर दिया, हो गया। ये देखिए, अब हमने इसको एज इट इज़ नहीं लगाना है बिल्कुल भी, इस तरीके से कट करके लगाना है। तो गाइस, ये वाला जो मंत्र है प्लांट्स को लगाने का, एंजॉय पोर्थोसो या मनी प्लांट्स, बहुत गुड है, बहुत ज़्यादा कारगर है इससे। अब हम इस पे स्प्रे करेंगे पानी। जब भी कोई इस तरीके की आप कोई भी प्लांट्स लगाते हैं तो पानी इस तरीके से स्प्रे जरूर करें। तो मैंने ये लीजिए इस तरीके से स्प्रे कर दिया है, और इसको हम सेमी प्लेस में रखेंगे। बहुत गुड चलने वाला गाइस प्लांट्स है ये। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा। आपके पास एंजॉय पोर्थोस है तो बहुत ही खूबसूरती से, मैं एक छोटा सा प्लांट्स लाई थी नर्सरी से, और वो बहुत ही आसानी से मेरे पास में बहुत ज़्यादा जगह हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, ये हैंगिंग प्लांटर बना रखा है मैंने, उसमें से ही कट करके निकाला है। कटिंग के फ़ायदे तो आपको पहले से ही पता है, फिर भी आपको बताती हूँ, कटिंग के फ़ायदे ये हैं कि जिस पुराने प्लांट से आपने कटिंग किया है उसमें न्यू शूट्स आने का मौका मिलता है, और हमें नए प्लांट्स इस तरीके से मिल जाते हैं। दूसरा, इसकी फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालना है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में, या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र वो भी लिक्विड फॉर्म में। तो गाइज़, आप इस तरीके का अगर इसको 15 दिन में डोज देते हैं, ये बहुत जल्दी निकल के आएगी, और ये बरसात में तो किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अंथा और जो सीज़न होते हैं उसमें अगर आपने इसको फर्टिलाइज़र दिया तो आप विश्वास कीजिए बहुत अच्छा निकल के आता है, बहुत जल्दी इसके गुड रिज़ल्ट निकल के आते हैं। इसके बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते इस फर्टिलाइज़र से निकलते हैं, शाइन करते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। और जब भी ये ग्रो करेगी, मैं आपको इसकी डिटेल पूरी फिर देने वाली हूँ, जैसे कि अभी दूसरे प्लांट्स की दी आपको मैंने कहा एक मंथ हुआ है कटिंग लगाए, अच्छी खासी रूट्स आ गई हैं हेल्दी। सो गाइज, आप भी ट्राई करें, और जो भाई बहन पहली बार मेरे चैनल पे आए उनसे कहना चाहूँगी सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरे चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की गुड रिज़ल्ट प्लांट्स के, और प्लांट्स को किस तरीके से इजी तरीके से ग्रो कर सकते हैं हम, बहुत अच्छा बना सकते हैं, उनकी हेल्थ कैसे रखी जाती है, मैं सारी डिटेल आपको बहुत आसानी से देती रहती हूँ। और जो भाई बहन उससे पहले से जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहूँगी आप लोगों का दिल से शुक्रिया है, आप लोग ऐसे तरीके से जुड़े रहिए, कमेंट्स करते रहिए, और वॉचिंग टाइम थोड़ा पूरा नहीं हुआ है, हेल्प कीजिए, कोई मजबूरी नहीं है आप लोगों की। अगर आपको मेरी डिटेल पसंद आती है तो ज़रूर कीजिएगा हेल्प मेरी। बाय फ्रेंड्स।